नियो उसके लिए पूरे पूरे तैयार हैं। ये जो एग्रेशन है इनकी तरफ से काफी अच्छा बन रहा है, बट स्मोकी इज ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर डाउन, ही विल बी टेकन डाउन। और ये एक और पिक यहां पर जोनाथन के लिए आता है ताकि उसका अगर डैमेज मिल पाए काफी बेहतरीन रहेगा। जोनाथन ने न्यूक्लियर को पिक किया लेकिन उनका जो कंसेक्यूटिव नेट रहता है वो वहां पर एक प्लेयर को फिनिश और नॉक कर चुका है और क्लच गॉट जाएंगे। दैट मींस देयर वाज अ स्लाइट रश इनके लिए होल्ड करना, बिकॉज़ यहां से मेक और ब्रेक हो सकता है। एंड आल्सो लुक एट टीम जोनाथन, एक लॉस हुआ जी गॉट का, बट दे आर स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रांग। एंड जोनाथन यहां पे एक नेट कुक करते हुए, क्या टीम आईएनडी के लिए नेट दर्दनाक हासिल का होगा, बट स्नैक्स वेंट डाउन एंड दैट सेंस से टेकिंग हिम डाउन। टीम जोनाथन यहां पे मोलोटॉप पे फंस गए एंड उनको अब रिवाइव हील की जरूरत पड़ी। फिनिशेस है जोनाथन के पास, टीम के पास नो फिनिशेस है इस समय। सोचिए कितने ज्यादा नंबर्स ऐसे एक्युमुलेट कर चुके हैं। गॉडनिक से ये यूटी का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन ऑलराइट आखिरी की 8 गोलियों में इन्होंने वो नॉक निकाला और फिनिश भी किया। यहां पर हेल्थ इनकी बहुत कम है तो इनको आगे मूव करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। 42 मीटर इनसे अगला जो राइट एंड यहाँ पे अब अगर हम बात करें देखना चाहे अगर हम यू नो किस तरह से निक्सन की टीम ने यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्म दिखाया। निक्सन अपने टीम के लिए एक फिनिश और एक नॉक निकाले, 6 प्लेयर्स हमारे पास बचे हैं, 10 प्लेयर 5 टीम जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी मुझे दिख रही है ऑल एक्चुअली निक्सन की टीम, बट बेस्ट पार्टीज आईएनडी इज स्टिल समहाउ स्टैंडिंग। दोनों प्लेयर बचे हैं, अक्षत को पता है कि एक्चुअली अलादीन को पता है कि अक्षत वहां पे है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट बाय। उनको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको जैसे तैसे करके बेट आउट करे, उनको खड़े होने में मजबूर करे, पर आई थिंक अक्षर डज नॉट हैव एन ऑप्शन हियर। अगर उठेंगे तो डेफिनेटली 2-3 प्लेयर उनपे एडीएस खोल के रखे हैं, माइट वांट टू गो फॉर द हिल बैटल। 6 फर्स्ट एड है उनके पास, देखते हैं क्या इनका स्ट्रैट रहेगा। और यहाँ पे मोलोटॉप आ गया, ही हैज लेस ऑप्शंस राइट नाउ एंड दैट्स गोना बी जीजी फॉर अक्षर। फाइनली एक मोलोटॉप निकला, ही गोस डाउन, he does go down, लेकिन अब मेरे को आगे की चीजें दिख रही क्या होती है, क्योंकि आप देखिए नियो वहां पर बैक एंड फाइट ले रहे हैं, घातक को जरूर पिक किया जा चुका है, फिनिश भी आराम से यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अलादीन इनकी तरफ से भी आउट रोबस आ रहे हैं, जोनाथन को डाउन किया जा चुका है प्रिंस के द्वारा। अब प्रिंस को आगे मूव जरूर करना है, नियो वहां पर पीछे के एंड पर बचे हुए, देखते हैं कि वो यहां से कितने पॉइंट निकाल सकते हैं। जोनाथन को रिवाइव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। गॉडनिक्स और उनका जो स्क्वाड है इस समय बहुत बेहतरीन खेल रहा है, आज का पूरा दिन शुरुआत से उनके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट नियो विल बी एबल टू रिवाइव बिकॉज सेंसे एक अपर एरिया अपने लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। Well, the revive is coming through. The revive is there. और क्रेटोस वहां पर दलजीत को रिवाइव करना चाहेंगे, लेकिन वो शायद मुश्किलों में हो जाए। क्रेटोस को काफी कम एचपी पर थे, बट ही विल बी टेकन डाउन। ये गेम टॉप 4 में आईएनडी के लिए मींस वी आर गोना हैव द न्यू चिकन डिनर विनर फॉर दिस वन। गॉडनिक्सन रिवाइव कर रहे थे उनको, वो रुके अभी के लिए, प्रिंस के पास जाना चाहेंगे, उनको शायद रिवाइवल यहां पर देना चाहेंगे। वो एक अच्छा खासा एरिया है, सर्कल में भी तो रुक जाएंगे। लेकिन अब आता है 10 सेकंड के बाद फाइनल जोन फॉर मेरा मार। करेक्ट एंड यहाँ पे निक्सन वर्सेस जोनाथन, अ फाइट दैट इज नॉट गोना बी इजी बाय एनीवेयर। नियो वहां से निकले एंड प्रिंस समहाउ मिसेस ऑन हिम, वहां पे जोनाथन का कवर फायर बहुत ही ज्यादा आने वाला है, अपॉर्चुनिटी टू हील हिमसेल्फ एंड दैट इज जोनाथन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक इट्स 100, आई थिंक इट्स जोनाथन, जोनाथन नियो ने ही लास्ट में पिंक मैक्स एंडिंग दिखा था। That is team Jonathan finally announcing a comeback, शानदार comeback, they fought it out valiantly, बहुत ही शानदार गेम उनके तरफ से। एक सेकंड में लास्ट से कंफ्यूज